अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातिब हो रही हूँ और आज मैं लाई हूँ आपके लिए मटन कढ़ाई की एक बहुत ही अच्छी डिलीशियस सी रेसिपी। ये बनाने में जितनी सिंपल है उतनी ही डिलीशियस है। तो फ्रेंड्स, आप इसे नान रोटी तंदूरी रोटी के साथ ले सकते हैं, पराठे या किसी भी चीज़ के साथ, चावल के साथ भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाने वाली, झटपट बन जाने वाली और बड़ी ही लजीज रेसिपी है। बहुत ही डिलीशियस बनती है ये रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक भी दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम हमारी रेसिपी। तो उसके लिए लिया है हमने 1/2 kg मटन, मटन विद बोन है और थोड़े से फैट भी लगे हुए हैं। दो मेन इंग्रेडिएंट हम इसके लिए लेंगे। रेसिपी हमारी बहुत हल्की फुल्की सी है तो हमने लिए हैं 4-5 प्याज, छोटे साइज़ के हैं, और 3 बड़े टमाटर लिए। प्याज को हम मोटे स्लाइसेस में काट लेंगे, बहुत ज़्यादा फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, बस मोटा मोटा इस तरह से रफली चॉप कर ले। आप चाहें तो यूँ इस तरह से गोल भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इसे लंबे पीसेस में काटूंगी। मटन को पहले हम एक प्रेशर कुकर में ले लेते हैं। आप चाहे तो हांडी में भी बना सकते हैं स्लो कुकिंग के ज़रिया, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। पहले मटन को हम ले लेंगे, प्रेशर कुकर में डाल लेंगे। जो प्याज हमने काटा था इसे ऐड कर देंगे। टमाटरों में हमने इस तरह से कट लगा लिए हैं और बस ऐसे ही रख देना है, हमें काटना नहीं है। प्याज टमाटर डालने के बाद अब ऊपर से डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम मटन में 1/2 कप पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। मटन का अपना पानी भी है, टमाटर प्याज का भी पानी होगा। अब हम लिड लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 सीटी तक इसे पकाएंगे, यानी कि मटन को हम 80% तक पकाएंगे। तो आइए बना लेते हैं जब तक कुछ मसाले। और ये मसाले मैं अलग से इसलिए डाल रही हूँ कि इससे हमारे मटन कढ़ाई का टेस्ट बहुत अच्छा निखर के आएगा। ये 2 टेबल स्पून हमने सूखे हुए धनिया के बीज को लिया है और 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, ज़ीरा के बीज, 8-10 काली मिर्चें, 1 मिनट तक हल्की आंच पर भून लेंगे। तो मसालों की बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। मसाले हमारे भून गए, फ्लेम ऑफ कर देते हैं, इन्हें थोड़ा ठंडा होने देते हैं। मसालों को हम मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लेंगे, आप चाहे तो इसे कूट भी सकते हैं। ये मसालों को हमने मोटा मोटा कूट लिया है और धनिया के बीज हैं वो आधे आधे हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारी कढ़ाई में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। गोश्त हमारा 80% गल चुका है और देखिए प्याज टमाटर वगैरह भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो हम स्किन को, टमाटर की स्किन को थोड़ा सा ऊपर से अलग कर लेते हैं। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये रेसिपी जितनी सिंपल है उतनी ही टेस्टी बनती है। कढ़ाई में हमने 1/2 कप तेल को गरम कर लिया है और अब हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ऐसे भूनेंगे। अब हम मटन को कढ़ाई में ऐड कर देंगे। इस रेसिपी को मटन कढ़ाई भी इसलिए कहते हैं कि कोई इसे कढ़ाई में भुना जाता है और अगर हम ऑथेंटिक तरीके से बना रहे होते हैं तो इसे लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं, जो कि आमतौर पर रेस्टोरेंट या ढाबे वगैरह में बनाते हैं। तो अब हम इस ग्रेवी को यूं ही सुखाएंगे कढ़ाई में भून भून करके, और उससे पहले हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे इसमें। दो टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, इन मसालों को हमें मिला देना है इसमें। और गोश्त का पानी सूखने के साथ साथ मसाले भी इसमें पकते जाएंगे और बीच बीच में हमें इसे चलाते भी रहना है। और फ्रेंड्स,
हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम प्रेशर कुक कर रहे होते हैं तो गोश्त को 80% तक ही गलाएंगे, वरना जब हम कढ़ाई में भुनेंगे तो गोश्त हमारे टूटने लगेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा गोश्त को नहीं गलाना है। ये ध्यान देने वाली बात है कि हम गोश्त को 80% तक ही गलाएं, और बाद में ये जब भुनाई होगी तो ये थोड़ा बहुत उसमें भी कुक होएगा। ऐड कर देंगे 3-4 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों से बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है, और आपने गौर किया होगा पाउडर मिर्च हमने ज़्यादा नहीं डाली है, तो हरी मिर्च हमें डालनी होती है जिसकी वजह से भी ग्रेवी थोड़ा सा हमारा तीखा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लिक्विड जैसे जैसे रिड्यूस हो रहा है, यानी कि गोश्त का पानी जैसे जैसे सूख रहा है और गोश्त को हम जैसे जैसे भून रहे हैं, बड़ा अच्छा सा कलर निकल के आ रहा है और मैं इसकी खुशबू को महसूस कर सकती हूँ। गोश्त की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। पानी तकरीबन सूख चुका है, तो अब हम डाल देंगे ये मसाले जो हमने दरदरे से ग्राइंड किए थे, ये सारे मसाले डाल देंगे। और धनिया जीरो को चूँकि हमने फ्रेश ग्राइंड किया है तो उसकी वजह से बड़ी अच्छी सी खुशबू, ताज़े मसालों की खुशबू निकल के आ रही है, जो हमारे रेसिपी को एक बहुत अच्छा फ्लेवर भी देगी और मज़ा भी देगी। अब हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून दही। दही डाल के भूनते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि फ्लेम को हमें लो कर देना है, वरना हाई फ्लेम पर दही डालने से दही के फटने का डर रहता है। गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से भून चुका है और तेल भी सेपरेट हो चुका है, तब हम ऐड करेंगे कुछ और चीज़ें। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये होममेड गरम मसाला पाउडर है। 1 मुट्ठी धनिया की पत्तियाँ, 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ज़रूर डालेंगे क्योंकि ये इस रेसिपी की खासियत है और इसमें कसूरी मेथी ज़रूर पड़ती है। कसूरी मेथी एक बहुत अच्छा सा टेस्ट ले करके आता है। तो लीजिए जनाब, हमारा ये कढ़ाई गोश्त बहुत अच्छी तरह से भून करके तैयार हो चुका है, और अब हम इसे दम पे छोड़ेंगे। ढक देते हैं हम इसे और धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे। तो ये हमारा बहुत लाजवाब सा मटन कढ़ाई बनके तैयार है, और देखिए कितना अच्छा से ऑयल सेपरेट होके आया है। इसकी ग्रेवी तो लाजवाब लग रही है। आप इसे नान, तंदूरी रोटी, पराठों के साथ ले सकते हैं। बहुत मज़े की लगती है ये रेसिपी। और फ्रेंड्स, हमने मटन की कई रेसिपीज़ हमने अपने चैनल पर डाली है जो कि आपको बहुत पसंद आएगी, तो जाके चेक कर लीजिएगा। और ये रेसिपी कैसी लगी ये भी हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है और हमें आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो फ्रेंड्स, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर कुछ नया लेकर और मज़ेदार लेकर के। तब तक के लिए दुआ में हमें याद रखिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।